नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर अमित शाह सख्त बोले, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की गोलबंदी, 15 जून को संयुक्त बैठक के लिए 22 नेताओं को भेजा न्योता। गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी AIMIM, 10% मुस्लिम वोट और इन 25 सीटों पर होगी नजर। फिर से पनपने की कोशिश में उग्रवादी संगठन उल्फा, 300 युवक युवतियों को संगठन में भर्ती कराया, अब NIA को जांच की जिम्मेदारी। कानपुर कमिश्नरेट पर हिंसे का दाग, 183 घंटे में पुलिस ने 57 की गिरफ्तारी। एक्शन में योगी सरकार, हंगामा करने वाले उपद्रवियों के घर पर चला बुलडोजर। मंकी पॉक्स को लेकर मथुरा में स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की मॉनिटरिंग, सभी ब्लॉक को किया अलर्ट। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले किसान विरोधी है भाजपा की मानसिकता, नहीं हो रहा गन्ना भुगतान। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी आप, नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हुई तेज। अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, 450 शहरों में विरोध प्रदर्शन, सख्त कानून बनाने की उठी मांग। जिनपिंग तीसरी बार नहीं बन पाएंगे चीन के राष्ट्रपति, दावेदारी का हो रहा विरोध। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का डंका, पहली बार हिंदी में भी जारी होगी यूएन की सूचनाएं, भारत के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। यूक्रेन के पास लड़ने के लिए नहीं बचे हथियार, बाइडेन बोले रूसी हमले की हमारी चेतावनी को सुनना नहीं चाहते थे ज़ेलेंस्की। काबुल के बटखक स्क्वायर में धमाका, कार में रखा था बम, धमाके में 4 लोगों की मौत और कई घायल। करोड़ की हो सकती है फीफा वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप, टिकट के लिए 2.35 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, अर्जेंटीना के मैचों की सर्वाधिक मांग। सुनील छेत्री ने जमाई रोनाल्डो जैसी फ्री किक, भारत ने अफगानिस्तान को 2-1 से हराया, समद ने दागा विजय गोल। फील्डिंग में कीपिंग ग्लव्स पहनकर उतरे बाबर आजम, एम्पायर ने पाकिस्तान पर लगाया 5 रनों का जुर्माना। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने टीम इंडिया पर साधा निशाना, कहा उमरान को नहीं चुनके गलती की। आईपीएल मीडिया राइट्स की नीलामी आज से, वाईकॉम 18 और स्टार में कड़ा मुकाबला। टॉप फैशन डिजाइनर की संदिग्ध मौत, अपार्टमेंट के बाथरूम में मिली प्रत्यूषा गरिमेला की लाश। हंगामा 2 की एक्ट्रेस परिता सुभाष ने बेटी को दिया जन्म, हॉस्पिटल से शेयर की बेबी गर्ल की फोटोज। सिद्धू मूसेवाला के बर्थडे पर फैमिली ने दी श्रद्धांजलि, सिंगर के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया वीडियो।
महिमा चौधरी ने कैंसर जर्नी में बताया संजय दत्त को इंस्पिरेशन, बोली उनकी कहानी ने मुझे इंस्पायर किया। अमिताभ बच्चन ने केबीसी में पूछा 2000 के नोट में चिप से जुड़ा सवाल, वायरल हुआ वीडियो। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।